लिखो, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आगे लिखो, मेरा नाम अजमल है, मैं मुसलमान हूँ और भारत का एक नागरिक भी। घर में 7 जन हैं, सब जन से हिंदुस्तानी। कागज पत्तर दिखाएं। लिखो, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मप्पिला हूँ, मेरे पूर्वज अछूत कहे जाते थे। तुम्हारी भाषा में? मनु के नाम का थप्पड़ खाकर उन्होंने अपना नाम बदला, तब जाकर अजमत पाई सदियों बाद। लेकिन तुम्हारे विचारकों के पूर्वजों के जन्म से भी पहले। आपको शक है? लिखो, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे बाप दादाओं ने यहाँ की जमीन सींची, इसी में जिए, इसी में दफन है वो। उनकी जड़ें नारियल और पीपल से भी गहरी जाती हैं इसी जमीन में। हाँ, वो कभी जमींदार नहीं थे, बस मजदूर थे। पर जड़ तो हर पौधे की होती है, छोटा हो या बड़ा। ये धरती ही उनकी जड़ है, ये धरती ही उनकी महक है, ये धरती ही उनकी चमड़ी है। कागज पत्तर दिखाएं। आप कागज पत्तर देखेंगे ना? तो अभी कब्रें खोदता हूँ मालाबार की। और सिर्फ मालाबार की क्यों, मैं दिखाऊंगा तुम्हें जूतों और गोलियों के निशान, उनकी छाती पर जिन्हें मारा ब्रिटिश सिपाहियों ने। आप कागज पत्तर तो देखेंगे ना? जबकि मुझे पता है आपके पास कौन से कागज पत्तर हैं। सेलुलर जेल का एक माफीनामा और गांधी के खून से सने हाथ। इसलिए ऐसा करो, अपने मुंह में भर लो इस देश की पावन मिट्टी और चुप रहो। लिखो, मैं हिंदुस्तानी हूँ और जान लो, मैं भूला नहीं हूँ कि तुमने भेजे थे नागरिक ढहाने को वो मस्जिद। और अब मिलकर तुम ढा रहे हो हमारा संविधान, छैनी से तोड़ रहे हो इस देश की आत्मा। और मैं गुस्से में, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? लिखो, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरी धरती है। लिख दो साफ, बड़े मोटे शब्दों में, अपने NRC के कागज पर, मैं हिंदुस्तानी हूँ। Thank you.